चाइनीज विस्पर क्यों बोलते हैं इसको? पता नहीं, जो भी मतलब समझ ना आए ना उसको चाइना का ब्लेम कर दो, चाइना पर। सब सुनाई दे रहा है अभी म्यूजिक, अभी म्यूजिक चल रहा है। म्यूजिक दीपिका के हेडफोन में ज्यादा ऊंची लाउड ना करना चाहिए, सो सेंसिटिव। बाकी चाहे कान फाड़ दो। आप मुझे डांटने वाले हो ना? नहीं नहीं, क्यों? ऐसा हो सकता है? ओ पेंसिल पेंसिल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। शकुन को बताओ, बहुत प्रेशर है। आमलेट जैसे अब्बा। ऑमलेट एक ही बार में समझिए आप। ऑर्डर चेंज भाई, पूछी नहीं। आप धैर्य, आप दीपिका को बताइए ना, धैर्य इधर आइए, आप दीपिका को बताइए। हाँ, मुरब्बा मुरब्बा मुरब्बा। अबे यार बोले यार। बेटर बेटर। आमले जैसे, आमले जैसे क्या? आमले जैसे अब्बा, अब्बा अब्बा। आपने जैसे अब्बा, मोटे अब्बा। मुर मुर मुर। आम ले जैसे अब्बा, माँ जैसे मुर्ग। नॉट मुलायम, मुर अब्बा, मुर अब्बा मुला। अनन्या, डू यू नो व्हाट मुरब्बा इज? हाँ, यू डोंट नो व्हाट मुरब्बा? It's like a pickled amla. I knew that. AC कम कीजिए please. AC थोड़ा कम करवा दो please. You are freezing ना? Even the boys are freezing. It's very cold. Hello, why are you guys freezing? हम आपके बगल में बैठे हैं, हमको ठंडी नहीं। अच्छा। जैकेट वैकेट पहन के बैठे हो सिद्धांत, तुम क्यों freezing? Yeah, why are you feeling cold? मैं, मुझे कहाँ ठंडी लग रही है, मैंने कहाँ बोला? हाँ। लड़का जवान है, गर्म है। फुटेज चेक करो। पिकू रिलीज हुई ना अर्चना जी, तो दीपिका ने बोला मम्मी को भी कि आप भी आना आंटी देखने। हम गए तो मम्मी दीपिका को ब्रेक में बोल रही है, बेटे तू बड़ा सोना काम किता। तो मैं कहा बच्चन साहब, वो तो इंग्लिश ही बोली जा रही थी। बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। स्लिम लग रहा हूँ मैं? बहुत बहुत ज़्यादा। इंजरी हो गई थी, मैं बड़ा पतला हो गया था। क्या हुआ था? ऐसे ही बस जिम में पंगे ले रहा था थोड़ा, फिर वापस इंजरी हो गई तो फिर वो वेट बढ़ गया, फिर मैंने थोड़ा अभी कम किया है अपने हिसाब से। आपके हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से तो मैं बहुत मोटा हूँ। सिद्धांत, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपनी सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट जो है अपने पेरेंट्स को सुनाते हैं। तो अफवाह ये कि इस फिल्म में आपका रोल सुन के आपने पापा ने कहा एक रोल मेरे लिए भी रख लो। जी, किस्सा मैं बता रहा हूँ। ये जब फिल्म का ट्रेलर आया तो गांव से फोन आया। अच्छा। हमारे चाचा जी जज साहब हैं वहाँ पे, मतलब भोजपुरी में उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताओ हमरा के, कि जो किसिंग भइल बा एमे स्पर्श भइल बा कि ना? अच्छा। सुलेमान के बीच में शीशा रखा ला। वो कह रहे थे कि स्पर्श हुआ है या बीच में शीशा रखा गया। और मेरे पापा ने नहीं, पापा ने बोला यार अब इसका जवाब मैं क्या दूँ। मैंने फिर बच्चे ने सुनाई थी, फिर हमने अलग अलग रूम में चले गए ट्रेलर देखने के लिए और कर रहा है कुछ। अच्छा। तो बस तो वो चाचा जिन्होंने पूछा आपसे उनकी कितनी उम्र है? करीबन 50 साल की। आपने पूछा नहीं चाचा जी कानपुर के पास ही मतलब इतनी अच्छी अच्छी जगह घूम फिर के आओ, किन बातों में ध्यान लगा रहे हैं? अनन्या, आपके दादाजी बहुत बड़े हार्ट सर्जन रहे हैं, तो अफवाह ये कि इसीलिए आप लड़कों का दिल तोड़ने से डरती नहीं है। तो चलो दिल टूट भी गया तो केस अपने घर पे आएगा, ऐसा? ये भी सही है। आए हाय, आए हाय। पर सिर ने मेरा दिल तोड़ा है इस पिक्चर में, तो इलाज करवा लो सर। पूरी कहानी बता दो। शकुन सर, मूवी भी आपने 40 दिन में कंप्लीट कर ली, तो लगता नहीं कि इतने रीटेक हुए होंगे। किसने बोला कि 40 दिन में ट्रेलर खत्म करा हमने, पिक्चर तो अभी कर चुके। पर आपने ऋषि कपूर साहब के साथ भी काम किया है। ओ, जी। वो तो बड़ा बुरा मानते थे रीटेक देने को। जी, मगर हम आखिर में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और हम हर रोज फोन पे बात करते थे और आई डियरली मिस हिम नाउ एंड मगर हाँ, जब स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी। क्या क्या बोलते थे आपको? वो एक्चुअली बोलते थे यार तूने पैसा मेकअप पे मेरे यहाँ खर्च करा है,
मगर तू टेक इधर से लेता है. अच्छा. आई रियली मिस हिम. आई एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम. रणवीर ने सोचा साथ खड़े होकर भी कोई फायदा नहीं, लंबी तो दीपिका ही लगेगी, इसलिए बैठ गए. लगता है टेलर से ड्रेस जल्दी उठा ली, पूरी तरह सिली भी नहीं थी. डायरेक्टर ऐसे बंदे के साथ जाए ना तो कोई भी एक्टर डेट देने से मना नहीं करेगा. आपकी चोटी देख के लगता है रणवीर की चोटी भी आप ही बनाती हो. तिरछी नजर से देख रही है, रणवीर अपना ही वार्डरोब खोल रहा है ना.